नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत, और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं स्थायी उपरिव्यय विचरण, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेज। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन दिया हुआ है आउटपुट यूनिट्स बजटेड है 15,000 और एक्चुअल है 16,000। तो जो उत्पादन है वो बजटेड उत्पादन निर्धारित किया था 15,000 इकाइयों का, और वास्तव में उत्पादन किया गया 16,000 इकाइयों का। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25, 28। तो जो बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे, ये सोचा था कि कितने दिन काम होगा, तो 25 दिन काम होगा ऐसा बजट बनाया गया था, लेकिन वास्तव में जो है 28 दिन काम किया गया। तो 25 दिन काम करके 15,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया, और 28 दिन काम करके वास्तव में 16,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया। फिक्स्ड ओवरहेड 30,000 और 30,500। जो स्थायी उपरिव्यय निर्धारित किए गए थे, जो बजट बनाया गया था स्थायी उपरिव्यय के संबंध में, वो था 30,000 रुपयों के लिए, और वास्तव में जो स्थायी उपरिव्यय आए हैं वो है 30,500 के। कार्य क्षमता में 5% की वृद्धि है, उपरिव्यय विचरण ज्ञात कीजिए। तो कार्य क्षमता में 5% की वृद्धि है, इसका मतलब ये हुआ कि बजटेड जो हमने बजट निर्धारित किया था उसमें जितनी कार्य क्षमता के लिए हमने बजट निर्धारित किया था उससे 5% अधिक कार्य क्षमता पर काम हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हमने कार्य क्षमता निर्धारित करी थी कि 100 घंटों में काम किया जाएगा, 100 घंटों में 15,000 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा, तो वास्तव में जो है 105 घंटे काम हुआ है, और 105 घंटे काम करके 16,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो जो भी कैपेसिटी है उसमें 5% का इंक्रीज है, 5% की वृद्धि है। उपरिव्यय विचरण ज्ञात करने हैं। तो पहला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट। तो जो स्टैंडर्ड रेट है या फिर जो बजटेड जो दर है उसको एक्चुअल आउटपुट से गुणा कर लिया जाएगा, यानी जो बजटेड खर्चे हैं, जो प्रमाप खर्चे हैं, उनको वास्तविक इकाई के लिए ज्ञात किया जाएगा, और फिर जो वास्तविक लागत है उसमें से घटाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट ज्ञात करनी पड़ेगी, SR पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ज्ञात करनी पड़ेगी। फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड अपॉन बजटेड आउटपुट। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड है 30,000 के, बजटेड आउटपुट है 15,000 इकाइयों का, तो 2 रुपया पर यूनिट है स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आउटपुट है 16,000 इकाइयों का, एक्चुअल आउटपुट दिया गया है 16,000 इकाइयों का, और स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये। इसमें से एक्चुअल आउटपुट 16,000 और एक्चुअल रेट ज्ञात करनी पड़ेगी। AR पर यूनिट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 30,500 रुपये के, 16,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है। 30,500 में 16,000 का भाग लगा देंगे, 30,500 में 16,000 का भाग लगाएंगे तो ये आता है 1.9062। इनको हल कर लेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ रही है 32,000। अगर 16,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए अगर हमको बजट बनाना होता फिक्स्ड ओवरहेड के संबंध में, तो हम बजट बनाते 32,000 रुपए का, ना कि 30,000 रुपए का। ये 30,000 रुपए के लिए हमने बजट बनाया 15,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे, लेकिन अगर वास्तव में 16,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे हमको बजट बनाना होता तो हम बजट बनाते 32,000 इकाइयों का, और 16,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे जो खर्चा हुआ है, एक्चुअल जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 30,500 के, यानी कि हमने बजट जो है अधिक निर्धारित किया होता 30-16,000 इकाइयों के लिए। इसका मतलब कम लागत पर काम कर लिया गया, विचरण जो है वो अनुकूल है 1500 रुपए से। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, या इसको शॉर्ट में कहें एफओसीवी है 15,000 एफ। दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड
एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये खर्चों के संबंध में है, इसमें सीधे सीधे खर्चे घटा दिए जाते हैं, मतलब जो हमने बजट निर्धारित किया था और वास्तव में कितने खर्चे आए, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का विचरण ज्ञात किया जाता है। तो बजटेड आउटपुट है 15,000, 2 रुपया स्टैंडर्ड रेट है जो हमने ज्ञात की है, और बजटेड आउटपुट है 15,000 माइनस एक्चुअल आउटपुट है 16,000 और एक्चुअल रेट है 1 रुपया 9.9062 पैसा। हल करेंगे तो बजटेड ओवरहेड 30,000 के हमने निर्धारित किए थे और वास्तव में 30,500 का खर्चा हुआ है, तो ये जो विचरण है ये एडवर्स है 500 रुपये से, क्योंकि वास्तविक खर्चा अधिक है। तीसरा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये उत्पादन की मात्रा के संबंध में है। एओ इंटू एसआर माइनस बीओ इंटू एसआर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एओ माइनस बीओ एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इंटू एसआर। इसको हल करेंगे, एक्चुअल आउटपुट है 16,000 इकाइयाँ, बजट निर्धारित किया था 15,000 के लिए, यानी कि अधिक इकाइयाँ उत्पादित कर ली गई है, तो वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो अनुकूल है। स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये से गुणा कर देंगे, 2,000 से जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो अनुकूल है। इन तीनों सूत्रों की जांच की जा सकती है, इन तीनों उत्तरों की जांच की जा सकती है। एफ ओ सी वी इज इक्वल टू एफ ओ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। 500 एडवर्स है, 2000 फेवरेबल है, तो 2000 में से 500 माइनस हो जाएंगे तो 1500 एफ। तो जांच पर जो है ये सूत्र, जो ये हमारे जो विचरण ज्ञात किए हैं, ये खरे उतरते हैं। चौथा है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आउटपुट है 16,000, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, एओ माइनस एसओ। यहां पर कार्य कुशलता में अंतर देखा जा रहा है, इंटू एसआर, 16,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, 16,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, लेकिन कब हुआ, कार्य क्षमता में 5% की वृद्धि करके, मतलब जितने काम के लिए हमने निर्धारित किया था बजट, जितने घंटों के लिए हमने बजट निर्धारित किया था, उससे अधिक काम हुआ है, उससे अधिक कार्य क्षमता पर काम हुआ है। 16,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ है कार्य क्षमता में 5% की वृद्धि करके, यानी जितनी कार्य क्षमता के लिए हमने बजट बनाया था उससे 5% अधिक कार्य क्षमता पर जो है वास्तव में काम हुआ है। तो स्टैंडर्ड यहां पर एफिशिएंसी देखनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बजटेड आउटपुट जो है उसको भी कार्य क्षमता के बराबर लाना पड़ेगा, वास्तविक कार्य क्षमता के बराबर बजटेड आउटपुट ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो बजटेड आउटपुट है ये 100% कार्य क्षमता पर है, लेकिन वास्तव में जो कार्य क्षमता पर काम हुआ वो 105% कार्य क्षमता पर काम हुआ है। तो पहले तुलनात्मक बनाना पड़ेगा, दोनों को बराबर कार्य क्षमता के आधार पर देखना पड़ेगा। तो एस ओ होता है एस ओ फोर एक्चुअल कैपेसिटी या आवर्स, तो बजटेड आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, अब यहां पर स्टैंडर्ड कैपेसिटी लिख देंगे, स्टैंडर्ड कैपेसिटी इनटू एक्चुअल कैपेसिटी। बजटेड आवर है, बजटेड आउटपुट है 1500, स्टैंडर्ड कैपेसिटी मानते हैं 100% थी और जो एक्चुअल जो है कैपेसिटी है वो 105% थी, कार्य क्षमता में 5% की वृद्धि हुई है। तो हम ये मान लेते हैं, हमको दिया नहीं गया है, यहाँ पर आवर्स नहीं दिए गए हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं
कि 100% कार्यक्षमता निर्धारित की गई थी, तो 100% कार्यक्षमता पर 15,000 इकाइयों के लिए बजट बनाया गया, लेकिन वास्तव में 105% कार्यक्षमता पर काम हुआ है। तो अगर 105% कार्यक्षमता के लिए अगर हम बजट बनाते तो हम कितनी इकाइयों का बजट बनाते? तो 105% कार्यक्षमता के लिए हम बजट बनाते 15,750 यूनिट्स के लिए। अब ये दोनों तुलनात्मक है, 16,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया 105% कार्यक्षमता पर काम करके, और 105% कार्यक्षमता के लिए हमने बजट बनाया होता 15,750 इकाइयों का, 15,750 इकाइयों का। तो 105% कार्यक्षमता पर 16,000 इकाइयों का वास्तविक उत्पादन हुआ है जो कि 15,750 इकाइयों से अधिक है। तो ये जो विचरण है, एफिशिएंसी विचरण, एफिशिएंसी वेरियंस है, ये वेरियंस अनुकूल है, ये आएगा 500 फेवरेबल, 5वां है पांचवां विचरण फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO माइनस BO इनटू SR। SO है यहाँ पर 15,750, बजटेड आउटपुट है 15,000 इकाइयों का, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये। इसको हल करते हैं तो आता है 1500 F। अगर सूत्रों की जांच कर ली जाए तो दूसरा वेरिफिकेशन होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है 2000 F, और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस इन दोनों का योग भी हो रहा है 2000 F, यानी कि जो विचरण है वो जांच पर खरे उतर रहे हैं, हमने जो भी विचरण ज्ञात किए हैं वो करेक्ट हैं। 6ठा है फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है RBO इंटू SR माइनस BO इंटू SR। कैलेंडर वेरिएंस कब ज्ञात किया जाता है? कैलेंडर वेरिएंस जब क्वेश्चन में दिनों की संख्या दी गई हो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए गए हो, तभी कैलेंडर वेरिएंस ज्ञात किया जाता है। यानी दिनों की संख्या में अंतर है, दिनों की संख्या में विचरण के कारण क्या प्रभाव पड़ा फिक्स्ड ओवरहेड पे, तो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस जब क्वेश्चन में दिनों की संख्या दी गई हो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए गए हो, तभी ज्ञात किया जाता है। तो RBO का फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है बजटेड आउटपुट अपॉन बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। तो यहां पर RBO होगा 15,000 है बजटेड आउटपुट, बजटेड डेज है 25 और एक्चुअल डेज है 28। तो 15,000 में 25 का भाग लगा देंगे और 28 से गुणा करेंगे तो यह आ रहा है 16,800। इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है, उस आंसर में जो है जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, RBO ज्ञात करने के लिए बजटेड आउटपुट को काम में नहीं लिया गया है, RBO ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट को काम में लिया गया है। जो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल कैपेसिटी हमने ज्ञात किया था 15,750 इकाइयां, स्टैंडर्ड आउटपुट को यहां पर RBO ज्ञात करने के लिए काम में लिया गया है, न कि बजटेड आउटपुट को। तो इस क्वेश्चन में RBO ज्ञात किया गया है, RBO इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। तो इस क्वेश्चन में जो हल किया गया है उस उत्तर के हिसाब से जो है RBO है 15,750 अपॉन 25 इनटू 28। तो 15,750 में
25 का भाग लगा देंगे और 28 से गुणा कर देंगे, तो जो आर बी ओ आ रहा है 16,740 यूनिट्स। अब अगर हम बस्टेड आउटपुट के हिसाब से आरबीओ देखें, आरबीओ ज्ञात करके और इस क्वेश्चन को हल करें, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आरबीओ माइनस बीओ रिवाइज्ड बस्टेड आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अगर हम बस्टेड आउटपुट के आधार पर अगर आरबीओ ज्ञात करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस आएगा। आरबीओ है 16,800 माइनस बस्टेड आउटपुट है 15,000, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपये, तो 3600 एफ आता है। और अगर दूसरा इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया उसके हिसाब से ज्ञात करें तो 17,640 आ रहा है आरबीओ, स्टैंडर्ड आउटपुट के आधार पर ज्ञात किया गया है, और बस्टेड आउटपुट है 15,000 इंटू 2, तो 2640 का डिफरेंस है। 2640 को 2 से गुणा करने पर आ रहा है 5,280 एफ। ये विचरण तो अनुकूल है क्योंकि आरबीओ बीओ से ज़्यादा है। अब आरबीओ को इस क्वेश्चन में जो है स्टैंडर्ड आउटपुट 15,750 के हिसाब से जो है ज्ञात किया गया है। दोनों में से किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आप जो आरबीओ है रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट, जब हम कैलेंडर वेरिएंस ज्ञात करते हैं तो रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट ज्ञात करना होता है, आरबीओ ज्ञात करना होता है, तो उस आरबीओ को हम चाहे तो बजटेड आउटपुट के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो हम स्टैंडर्ड आउटपुट के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो आपका आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है वो स्टैंडर्ड आउटपुट के आधार पर जो है कैलेंडर वेरिएंस ज्ञात करके दिया गया है। लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड सब कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड सब कैपेसिटी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट, या फिर इसको लिख सकते हैं एस ओ माइनस आर बी ओ इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आउटपुट है 15,750 का, रिवाइज बजटेड आउटपुट बजटेड आउटपुट के हिसाब से ज्ञात किया गया था 16,800 इकाइयों का, स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपया, और क्वेश्चन के हिसाब से 15,750 स्टैंडर्ड आउटपुट और जो बस्टेड रिवाइज बस्टेड आउटपुट है वो है 17,640 इकाइयों का, जो कि रिवाइज बस्टेड आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के आधार पर ज्ञात किया गया है क्वेश्चन में। तो हल कर लेंगे, 15,750 में से 16,800 माइनस हुए तो ये प्रतिकूल विचरण है। 1,050 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 2100 एडवर्स। और इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है बुक में उसके हिसाब से 15,750 में से 17,640 आरबीओ माइनस किया, जो आरबीओ जो है स्टैंडर्ड आउटपुट के आधार पर ज्ञात किया हुआ है, तो जो सब कैपेसिटी वेरिएंस आ रहा है 3780 एडवर्स। तो जो बॉक्स में जो किया है वो क्वेश्चन में जो आंसर है उसके हिसाब से ज्ञात किया गया है। अगर वेरिफिकेशन किया जाए, चाहे बुक में जो आंसर दिया गया उसके हिसाब से किया जाए या जो जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व उस हिसाब से करें, तो अगर वेरिफिकेशन करें तो वेरिफिकेशन पे जो है हमारे ये विचरण खरे उतरते हैं। वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के लिए तीसरा वेरिफिकेशन करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड सब कैपेसिटी वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है 1500 फेवरेबल, 1500 एफ। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस है 3600 एफ प्लस फिक्स्ड ओवरहेड सब कैपेसिटी वेरिएंस है 2100
ए, तो अगर इसको सोल्व किया जाए ये 3600 जो फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस 3600 एफ और फिक्स्ड ओवरहेड सब कैपेसिटी वेरिएंस 2100 ए, ये जैसा कि हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन सोल्व उस हिसाब से सोल्व किया गया है, तो अगर इन दोनों का योग किया जाए 3600 एफ में से 2100 ए घटाया जाए तो जो आंसर आता है, जो राशि ज्ञात होती है वो है 1500 एफ, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस के बराबर है। अब अगर जो बुक में आंसर दिया गया है उसके हिसाब से अगर इसको सोल्व किया जाए तो वेरिफिकेशन किया जाए तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है 1500 एफ और फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस आ रहा है 5280 एफ प्लस फिक्स्ड ओवरहेड सब कैपेसिटी वेरिएंस है 3780 ए। अब अगर इसको हल किया जाए तो 5280 एफ में से 3780 ए एडवर्स माइनस किया जाएगा तो जो राशि आती है वो आती है 1500 एफ, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस के बराबर है। तो दोनों ही आधार से जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, जब विचरण ज्ञात किए हैं तो दोनों ही आधार से जो भी राशि ज्ञात हुई है वो हमारी जांच पर खरी उतरती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हमने किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।